थैंक यू उसको जिसने ये कमेंट्स किया था कि आप कुछ चेंजेस कर लीजिए। पता है वो रेसिपी कितनी महंगी है? मैं चाहता तो 3 लाख में वो रेसिपी बेच सकता था। ऐसे ऐसे पिटाई करेगी। अच्छे 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 shot me through the heart casting dice and roulette। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 10 और आज है संडे, यानी फंडे हमारा रहता था, लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि घर पे क्या फन करेंगे देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ गेम खेलें, कुछ एंजॉय करें। उससे पहले मैंने बुलाया है बिल्लू बार्बर को अपनी शेव और बाल कटवाने के लिए, क्योंकि यार काफी दिन से मैं तो अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। मैं काफी बार आपसे भी पूछा था, मैंने सोचा उसको घर पर बुला लेते हैं, बाहर नहीं जा सकते लॉकडाउन में, तो क्या हुआ घर पर बुलाकर थोड़ा सेटिंग वेटिंग करा लेते हैं, थोड़ा हीरो शीरो बन जाते हैं। और सुबह पार्क में जाकर मैंने की थी साइकिलिंग, तो साइकिलिंग कर अब आकर अब 10-15 मिनट में वो आता होगा, फिर हम अपना शेव वेव क्लीन कराते हैं, हेयर कट कराते हैं। तो लो जी हमारे बार्बर जी आ गए हैं, आज अच्छी से स्टाइल देंगे, थोड़ा हीरो शीरो बना दियो ठीक है अच्छे से, बहुत दिन हो गए कटिंग शटिंग नहीं कराई है, तो फाइनली थोड़ा लुक चेंज कर लें। और लुक चेंज करने के बाद आप बताना कि लुक कैसी लग रही है, पुरानी लुक अच्छी लग रही थी या ये कपड़े लाए का? बाल छोटे भी नहीं कर रहे और अच्छे भी लगे, सेटिंग नहीं हो पा रही इनकी। ना लिया हूं, और यार वो जो बार्बर पहले कपड़ा बांधते हैं ना बाल कटिंग से पहले, वो लाना भूल गया था, फिर वो कह रहा मैं जाकर लेकर आता हूं, मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा तो बिना उसके ही काट दे, क्योंकि मुझे वैसे भी नहाना ही है कटिंग के बाद। और मम्मी तो कह रही थी क्या करेगा कटिंग कराकर, बाल ठीक लग रहे हैं और लॉकडाउन में भी वैसे कहीं बाहर नहीं जाना कुछ भी नहीं है, तो क्यों कटिंग करानी। लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं कंफर्ट नहीं था, चाहे कोई देखे ना देखे खुद को अच्छा फील होना चाहिए, खुद को कंफर्ट फील होना चाहिए, तो कटिंग करा ली। अब आप कमेंट्स कर बताना आपको कटिंग कैसी लग रही, पहले बाल अच्छे लग रहे थे या अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी मैंने ज्यादा छोटे नहीं कराए, मैंने उसको मना कर दिया था कि मुझे ज्यादा छोटे नहीं कराने हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर रखने हैं, थोड़ा बढ़ाने हैं बालों को, तो बस थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर दे, ऐसा कर दे जो मेरे को अच्छा लगे और थोड़ा कंफर्ट फील हो। कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, बार बार कैप लगा रहा था और खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कटिंग कराना तो बनता है। और आज ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट हो रहा है, और ब्रेकफास्ट में है आज मैंगो, तो आज मजा आ गया। वैसे मैंगो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम खाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा फैट होता है, तो इस वजह से अवॉइड करता हूँ। लेकिन सच में मैंगो शेक और मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैंगो का सीजन आए ना तो ऐसे लगता है बस पूरा दिन दोनों टाइम सुबह शाम दूध की जगह चाय की जगह मैंगो शेक ही होना चाहिए। आ जा आ जा आ जा आ जा, क्या है आ जा, चल बंद कर देते हैं। ये देखो कहाँ कहाँ चढ़ती रहती है, घूमती रहती है, गेट बंद कर दिया तो ये ऊपर उधर चढ़ के सोच रही है मैं खुद खोल लूंगी। वैसे सेकंड लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने उसमें कमेंट्स में पूछा था कि टाइम पास के लिए कुछ बताओ लॉकडाउन में क्या करूँ, तो काफी 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 कमेंट्स आए, जिसमें गेम्स का था जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने गेम्स खेली और भी काफी तरह की गेम्स थी। देखो ये पागल हो रही है, खुद खोल लिया, चलो चलो अंदर। तो मैं बोल रहा था उसमें काफी कमेंट्स आए थे, और उसमें एक कमेंट ये भी था कि आप घर में कुछ चेंजेस कर लो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, ये तो मैं करता ही रहता हूँ, 4-6 महीने में अपनी काम की जगह भी मैं चेंजेस करता रहता हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ ऐसा चेंज करते हैं, कील हथौड़ी लाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या चेंज करने वाले हैं। और इसको देखो ये क्या पागल हो रही है, अब भी गेट बजा रही है, खोलने की कोशिश कर रही है इसको कि खोल के क्या है बाहर क्या है। मैं पापा से हथौड़ी कील मांग रहा था, पापा ने कहा तेरे बस की नहीं है मैं खुद ही कर दूंगा, और पापा लगा रहे हैं इधर, ये गणेश जी की फोटो लगेगी, और ये जो मैं कश्मीर से लाया था कील के लिए वो लगा चुके हैं, अच्छी तो लगेगी ये फोटो इधर, तुम बताओ हम तो जाके आओगे अपना लगा देंगे। ये लो ये काफी साल से रखी हुई है, बस रखी हुई है इतने टाइम से, सेंटर में नहीं होनी चाहिए दीवार के, हाँ सेंटर में लो ठीक है इधर, हाँ पापा ठीक है लगा दो इधर ही फिर से, नीचे होगी ना ज्यादा है ना, बस ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ऊपर करो थोड़ा, नहीं तो बता दो मैं वो तो बाद में होगा, हाँ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फोटो फ्रेम की अनबॉक्सिंग, शुरू करते हैं। अच्छा जी ये 10 रुपए की ब्लेड है, 3 रुपए की नहीं है, सॉरी गलती हो गई, लास्ट टाइम मैंने 10 रुपए की जगह 3 रुपए बोल दिया था, ये 3 रुपए की ब्लेड से नहीं, अब 10 रुपए की ब्लेड से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अब, ठीक है
ऐसी आएगी तो जैसी है ना। बता कहाँ लगनी है मम्मी वीडियो में नहीं आ रही है, कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और पापा कह रहे हैं जैसी है वैसी रहेगी। क्यों पापा अच्छी है तो अच्छी आएगी, बुरी जैसी है वैसी आएगी। अब देखना कल आप वीडियो में अच्छे लग रहे हो या बुरे। पहले कमेंट्स कर बता देना कल वीडियो में मेरी मम्मी अच्छी लग रही है बुरी। फोटो फ्रेम लग गई है और अच्छा खासा हमारा एक डेढ़ घंटे टाइम पास हो गया। थैंक यू उसको जिसने ये कमेंट्स किया था कि आप कुछ चेंजेस कर लीजिए, तो ये चेंज मेरे लिए अच्छा हो गया और ये फोटोज यूज में भी आ गई हैं। ये मेरी फोटो फ्रेम है जो कि अराउंड मुझे 2 साल पहले मेरे बर्थडे पर मिला था। इसमें ये मेरी फोटो है जो सिंगापुर की है और इसमें बहुत छोटी छोटी फोटो है जो कैमरे में नहीं दिखेगा। ये छोटी छोटी फोटो है जो कि इसमें 1000 से ऊपर फोटो है मेरी, जो कि बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लगती है लेकिन कैमरे में इतना नहीं पता चलेगा। बाकी इधर ये फोटो लगवाई है, उधर लगवाई है, बाहर भी लगवाई है और अब इससे मेरा मन भी कर रहा है कि मैं और फोटोज लगवाऊं। लॉकडाउन खुलता है थोड़ा ठीक होता है तो अच्छे अच्छे फ्रेम लाते हैं, अच्छा कुछ चेंजेस करेंगे घर में, क्योंकि अभी जो है खास चेंजेस नहीं हो पाते हैं। बेड की सेटिंग चेंज नहीं हो पाती, सोफे की सेटिंग चेंज नहीं हो पाती है, लेकिन एक बार लॉकडाउन खुल जाए और थोड़ा ठीक हो जाए ये सब कोरोना वोना, उसके बाद मैं अच्छे से घर की शॉपिंग करने वाला हूँ। अब इसको थोड़ा सही में अच्छे से चेंज करते हैं। फ्रेम लगाने के बाद सो गया था और अभी सोकर उठा हूं और टाइम हो रहा है 5:42। कुछ खाने के लिए बनाते हैं और जो भी बनाएंगे कैसे भी बनाएंगे आपको भी वो रेसिपी हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन यार हम आपका स्वागत करना भूल जाते हैं, ये वीडियो भी आधी हो गई है लेकिन स्वागत करना भूल गए, कोई बात नहीं लेकिन हम जरूर करें, शायद लास्ट वाली वीडियो में भी नहीं किया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। और यार घर पर रहो, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो और उसमें खुश रहो। तो आज मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूं एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही मुश्किल से बनती है और हर किसी के बस की नहीं है बनानी। तो मैं आपको बनाना सिखाता हूं मैंगो शेक। इसके लिए चाहिए हमें एक ब्लेंडर और दूध जो कि गाय का ही होना चाहिए, भैंस का पियेंगे तो मोटा हो जाएंगे, और साथ में मैंगो जो कि मैंने सुबह खाया था तो मुझे याद आ गया कि मैं मैंगो शेक पी लेता हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, थोड़ा सा फैट होता है लेकिन कभी कभार चलता है। और इसके लिए चाहिए आपको चीनी, और चीनी जो शुगर है सिर्फ खाने में लें, जो मीठे इंसान होते हैं उनसे बचकर रहें। और आपको चाहिए साथ में ठंडी ठंडी बर्फ, क्योंकि मैंगो शेक का मजा ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड होता है जब ही आता है। और इसके साथ जो हम ऊपर से थोड़ा इसको टेस्टी बनाने के लिए आइसक्रीम गिरने वाले हैं, बटर स्कॉच और थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिससे इसमें और 4 चांद लग जाए। तो ये बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझिएगा और बनाइएगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल रेसिपी और बहुत मुश्किल होता है मैंगो शेक बनाना। मेरे लिए तो मुश्किल है क्योंकि हम ऐसा कुछ काम करते नहीं है। तो पहले दूध को आप और चला लीजिए। तो पहले इसमें आपको गिरना है मैंगो, और ये कैटरीना कैफ वाले मैंगो नहीं है, हर सीजन वाले नहीं है, जो सीजन सीजन में आते हैं वो वाले हैं जो इसी सीजन में आए हैं। जब भी आप मैंगो खरीदे ना तो उससे बोलना वो वाले मैंगो चाहिए जो मैंगो शेक के लिए, क्योंकि मैंगो शेक वाले मैंगो थोड़े अलग रहते हैं। ओह, लगता आज नींद अच्छे से पूरी हो गई है। क्या करें, घर पर रहकर इन छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढी जाती है। इसमें हम थोड़ा सा शुगर गिरेंगे, और मैंने बोला ना शुगर यही वाला होना चाहिए, जो मीठे लोग होते हैं उनसे बच के रहे, जो आपके सामने बहुत मीठी मीठी बात करेंगे और आपसे पीछे आहा क्या बात है, बिल्कुल नमक हो जाते हैं, झेर झेर हो जाता है, कभी झेर है झेर। हमारा जो ब्लेंडर है कुछ इस तरह की आवाज करता है, बवंडर करता है। ये आइस तैयार हो गई है, अब एक ग्लास चाहिए। तो अभी 50% तैयार हो गई है, इसमें आपको थोड़ी सी अपने स्वाद अनुसार आइसक्रीम गिर लें। हमारा स्वाद तो बहुत ज्यादा गिरने का है लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना है, लेकिन हम जाकर वर्कआउट भी करेंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट, और ये हो गया हमारा तैयार मैंगो शेक। एक बार टेस्ट कर लें कैसा बना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। ओए,
मैं बता नहीं सकता आपको क्या स्वाद आया। और जो रेसिपी बताई है मैंने, इसके कोई भी पैसे नहीं है, बस आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के सपोर्ट के लिए शेयर भी कर लेना। अब हम कैमरे को साइड में रखते हैं और थोड़ा तहजीब से पीते हैं। बंद हो गया। बंद है ना। आइसक्रीम पीना लग गई। नहीं बोला। ये मेरे से लड़ रही है, ये मेरे से लड़ रही है। मैंने इसे मैंगो शेक नहीं पिलाया तो ये मेरे से लड़ रही है। हैं? मैंगो शेक नहीं पिलाते हैं, ठीक है? हर किसी को नहीं देते मैंगो शेक। पता है वो रेसिपी कितनी महंगी है? मैं चाहता तो 3 लाख में वो रेसिपी बेच सकता था आपको, मैंने फ्री में बताई है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो कमेंट्स करो कैसी रेसिपी लगी और लाइक्स करो। देखो बॉस की को कितनी अच्छी लगी रेसिपी कि मेरे से लड़ रही है। देखो देखो बॉस की को सब, देखो इसको देखो। टन 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 कल से मिलेगा। देखो खा गई। अच्छा शांत भीम शांत बच्चा शांत। अच्छा हाँ, अब मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया कल से इसको मिलेगा, अभी ये शांत है। पसीने छुड़ा दिए इसने, सारा मैंगो शेक निकाल दिया। क्या चाहिए मेरे मारेगी, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। देखो इसने क्या कर दिया, ये देखो इसने हमारी तकिया फोड़ दी। बेटा कर ले जब मेरी मम्मी आएगी ना और इस फटी हुई तकिया को यहां से देखेगी, जब तेरे को बताएगी, जब तू पिटेगी ऐसे ऐसे पिटाई करेगी। अच्छे। हालत खराब हो गई है, लेग्स का वर्कआउट किया है इस वीक में, मेरा लेग्स का वर्कआउट रह गया। तो आज संडे है, मैंने आज वर्कआउट कर लिया लेग्स का, लेकिन बिल्कुल जान खत्म हो गई है। और अभी ऊपर जाना है सीढ़ियाँ चढ़ के तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर जाने की, इतनी हालत खराब हो गई है। बहुत तेज पेन हो रहा है क्योंकि वर्कआउट काफ़ी टाइम से लेग्स का किया भी नहीं था, बस रनिंग वनिंग करता था तो लेग्स का ज़्यादा नहीं कर रहा था। इस वीक भी रह गया था लेकिन आज संडे था, मैंने सोचा लॉकडाउन में क्या करें, और अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और दिल्ली में एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, आज के दिन ही लास्ट लॉकडाउन लगा था, मतलब पूरा एक महीना हो गया है। और केजरीवाल जी एक एक हफ्ता करके लॉकडाउन क्यों बढ़ा रहे हैं, एक साथ ही क्यों नहीं उम्र कैद सुना देते हैं। और चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, एक हफ्ते और घर पे इंजॉय करना पड़ेगा और इसी तरह का व्लॉग आपको देखने होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, मेरी कश्मीर वाली सीरीज देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नई वीडियो देखने के लिए, मुझे थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए, जो कि मैं इसी तरह रोज डेली व्लॉग ला सकूं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।